रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हैबिट या आदत का क्या होती है। वो चीज़ जो हम रूटीन में करते हैं और हमें उसका करते हुए एहसास भी नहीं होता, वो हमारी एक फितरत का हिस्सा बन जाती है, उसको आदत कहते हैं। तो आदत जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जैसे कोई हमें एहसास ही नहीं होता, हाँ कई दफ़ा हमें मुंह में उंगली डालने की, नाखून काटने की, नाक साफ करने की आदत पड़ जाती है, या मुस्कुराने की, अच्छी बात करने की, सफाई रखने की। तो ये सारी आदत हैं। तो इखलाक और किरदार से जाहिर हो कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको डिग्री का नाम बताने की जरूरत ना पड़े। हम स्कूल इसलिए आते हैं कि हम अपने इखलाक और किरदार को संवारें। तो अगर हमने अपने आप को नहीं संवारा तो पढ़ने का क्या फायदा। तो हमें अपनी कारकर्दगी जो है अमलन अपने किरदार को शानदार बनाना चाहिए, और शानदार बनाने के लिए सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। और उसके लिए हमें एक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है। अगर हम इसी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कौन से रास्ते पे चलें, तो असल में हम किसी रास्ते को इख्तियार नहीं करते और उसी जगह खड़े होते हैं। ना हमारी शख्सियत बेहतर होती है, ना हमारा किरदार बेहतर होता है। जैसे अगर हम लाहौर जाने के रास्ते पे चल पड़े और कितनी भी दुआएं मांगते रहें कि ऐ अल्लाह तू हमें कराची पहुंचा दे, तो हम कभी नहीं पहुंच सकते। तो असल में वीजन है अपना रास्ता सोच समझ के इख्तियार करना, और अल्लाह को राजी करने का सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अल्लाह को नहीं चाहते तो फिर हमारे संडे सिंडे बन जाते हैं, मून डे, टीयर्स डे, वेस्ट डे, थर्सडे, फाइट डे और सैटरडे। तो हम आते हैं अपने सबक की तरफ। जैसे फेस्टिवल का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ कंसर्ट्स, प्लेज और फिल्म्स, टिपिकली वन हेल्ड एनुअली इन द सेम प्लेस। सालाना जो मेले होते हैं उनको फेस्टिवल्स कहते हैं, और इन मेलों में एक्टिविटीज में कैटल रेसेस होती हैं, मवेशी के डांस होते हैं, और मुख्तलिफ जो हैं गेम्स होती हैं, कल्चरल फ्लोट्स होते हैं। तो आज हम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। हसन इज़ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय हु लव्स एनिमल। हसन को जानवर बहुत पसंद है। लेट्स सी व्हाट हसन सॉ एट द हॉर्स एंड कैटल शो। देखते हैं कि हसन ने हॉर्स एंड कैटल शो में क्या देखा। हसन केम टू लाहौर टू स्टे विद हिज अंकल फॉर हॉलीडेज। हसन लाहौर आया अपने चचा के घर छुट्टियां गुजारने। हिज अंकल टुक हिम टू द हॉर्स एंड कैटल शो। उसके चचा उसे हॉर्स एंड कैटल शो में ले गए। हसन हैड ओनली रेड अबाउट द हॉर्स एंड कैटल शो इन अ बुक। हसन ने सिर्फ अपनी किताब में हॉर्स एंड कैटल शो के बारे में पढ़ा था। हसन लव्ड एनिमल्स सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत खुश और पुरजोश था। ऑल द एनिमल्स हैड बीन डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड बीड्स। सब जानवरों को फूलों और मोतियों से सजाया हुआ था। द एनिमल्स स्टूड इन अ लाइन एंड फॉलोड देयर मास्टर्स ऑर्डर। जस्ट व्हेन द कैटल शो बिगैन एन ऑक्स सडनली गॉट एंग्री एंड रैन अवे फ्री फ्रॉम इट्स मास्टर ग्रिप। जैसे ही शो शुरू हुआ, एक बैल अपने मास्टर की पकड़ से भाग गया। Everyone was afraid because it was big and strong. हर एक खौफजदा हो गया क्योंकि बैल मजबूत था। It could hurt someone, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। However, its master was a strong man who knew how to look after his animals. जो मास्टर है वो स्ट्रांग था और उसे पता था अपने जानवर को कैसे काबू करना है। Soon he had the ox under his control and brought it back to the shelter. Everyone was pleased to see the ox back with its master. Hassan also went to see the stars of handicrafts, food and music. Hassan ne stars pe khuraak aur music bhi dekha. He ate sweets and cotton candy. He had lots of fun at the festival. To pyare bachcho, ye mushkil alfaz ke maani hai. To happiness jo hai wo bhi ek aadat hai, khush rehna. जो कामयाब लोग होते हैं वो खुश रहते हैं। और हैप्पीनेस क्या है? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को फॉलो करें, लोगों के पीछे ना चलें, तो आपको सच्ची खुशी मिलती है। तो कैसे आप खुश रह सकते हैं? स्टार का सोचें। स्टॉप, थिंक, एक्ट, रिव्यू। हर काम करने से पहले सोचें और करने के बाद भी अपना जायजा लें कि क्या आपने सुन्नत के मुताबिक किया है। क्योंकि एक सुन्नत पे अमल करना 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। हम क्या हैं? जो हम बार बार करते हैं। सबसे अच्छा होना एक अमल नहीं बल्कि एक आदत है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहें, मेहनत की आदत डालें,
اپنا راستہ سوچ سمجھ کے اپنائیں, سیدھا راستہ قرآن پڑھیں, ترجمے سے سنت کا مطالعہ کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں.